एक मिनट। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपका अपने जी जाना यूट्यूब चैनल हसीन उस्ताद। आज हम आए हुए हैं झालू, ये देखिए आप पूरे हिंदुस्तान का। आज से उस्ताद का मान सम्मान कर रहे हैं। पहले उस्ताद का नाम क्या है इनका? अली मोहम्मद भाई, मोहम्मद अली। ये देखिए गाइस, अली मोहम्मद भाई को पगड़ी बन रही है। ये हमारे शहजाद भाई दिल्ली वाले झालू से है। ये हमारे शहजाद भाई, ये देखिए गाइस, आज हम आए हुए हैं झालू में। ये देखिए एक बैंकट हॉल ले रखा है गाइस इन्होंने। ये देखिए काफ़ी आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे सब्बन भाई भी है नगीने से, और ये हमारे नसीम भाई भी बैठे हैं। बहुत लोग आए हुए हैं ज़िला बिजनौर के गाइस, और आपको पता चल रहा होगा कि इन्होंने पूरा वेंकट हॉल ले रखा है ये सिन्नी पगड़ी के लिए। और ये हमारा जो शौक है माशाल्लाह से, इतना बढ़िया हमारी बिरादरी है ये कि हम लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है। ये देखिए ये पगड़ी बन चुकी है, ये देखिए गाइस। ये देखिए ये हमारे शहजाद भाई ने नोटों का गजरा डाला है, ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, और माशाल्लाह से कितना पैसा खर्चा होता है हमारी इन पगड़ियों में। ये हमारे काका भाई हैं बिजनौर के, और ये हमारे नजीबाबाद साहब है। एक जोड़ी कपड़े हैं और उस्तादी का एक अंगूठा है, और मान सम्मान कर रहे हैं शहजाद भाई। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह से। और हमारे बिजनौर से इकराम भाई भी आए हुए हैं, ये बैठे हमारे इकराम भाई, और मुल्तान भाई भी बैठे हैं इनके साथ में, ये देखिए। भाइयों सुनो, भाइयों सभी छोटे बड़े भाइयों को ये पगड़ी में अपनी शहजाद बच्चों को दे रहा हूँ, आज से इनको मालिक बना रहा हूँ। शहजाद भाई को भाई झंझरवाल वाले उस्ताद आज पगड़ी दे रहे हैं, और म्यूजिक माशाल्लाह से मुबारक हो शहजाद भाई। ये देखिए गाइस, जिला बिजनौर के आपसे शहजाद उस्ताद है जी। आपका नाम? मेरा मोहम्मद जाहिद अंसारी। जाहिद अंसारी, दिल्ली उस्ताद। दिल्ली उस्ताद, ये भी हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, इन्हीं की सरपरस्ती में पार्टी चलेगी इंशाल्लाह। जी, समझ लो कि गठबंधन हमारा इनसे पहले से ही है, क्योंकि हम इनकी पार्टी के बागीदार भी हैं माशाल्लाह। ठीक है, अब हमारी जगह जो हमने अपना होता किसी और को दिया हुआ है बागीदारी का, जी तो हमारा इनका साथ कभी ना छूटा है और इंशाल्लाह ना छूटेगा माशाल्लाह। अल्लाह मोहब्बत रखे प्यार मोहब्बत। और अब तक भी जो पार्टी चल रही थी एक ही चल रही थी। अच्छा अच्छा, अब ये मिल के नहीं, अब ये दो हो गए। चलो गठबंधन हो गया कुल मिला के माशाल्लाह, गठबंधन से चलेगी। चलो, और जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है, जो उस्ताद आपको बनाना चाह रहा है, जो सागिरत वागिरत वो पूरी करिए आप रसम अपनी। हाँ, विनय बुलाइए, ये देखिए गाइस माशाल्लाह से काफी आदमी भीड़ में तादाद में आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे नजीबाबाद साहब है, ये देखिए। आपका नाम? गुल मोहम्मद भाई। ये भी नजीबाबाद में एक प्लेयर है, अपने आप में एक हस्ती है, बहुत अच्छे परिंदे उड़ाते हैं। और भी भाई लोग इनके साथ है, ये देखिए। ये हमारे मुंशी जी बिजनौर के। हाँ जी मुंशी जी, ये देखिए मुंशी उस्ताद। अच्छा अच्छा, ये सिरकोट से जो है आपाक भाई आपको उस्ताद बना रहा है। ये हमारी शागिर्द हो रहे हैं पार्टी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। ये देखिए, ये सिरकोट से
क्या नाम बता? आफाक भाई जो है ये सजाद भाई को उस्ताद बना रहा है। ये देखिए ये हमारे नगीने के सब्बन उस्ताद बैठे हैं। ये अच्छा इनका नाम ये शेर अली खारी से। खारी से ये भी आज से हमारी पार्टी में शामिल करेंगे। अच्छा ये शेर अली खान खारी से ये भी सजाद भाई को उस्ताद बना रहा है। ये देखिए भाई साहब आपका नाम और ये पहले से हमारे शागिर्द थे। अच्छा और ये जैसे कि उस्तादी उलट-पलट हुई है, बात तो एक ही है कि चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे जी, मगर ये दोबारा शागिर्द हो गए नहीं। अच्छा माशाल्लाह से तालिब भाई ये थोड़े से बागी हो गए थे। तालिब भाई बागी नहीं अच्छा चलो मैं काट दूंगा। ये साबिर भाई जो है ये इनके सागिरत हो रहा है सजाद भाई का। ये देखिए गाइस आइए आइए आ जाओ जल्दी करो। कौन है जी सजाद भाई? वालेकुम सलाम जी भाई आदि और माशाल्लाह एक बात बता दूं, टॉप 10 में हिंदुस्तान के अंदर इनका नाम है इस साल में गर्मी का टूर्नामेंट में और यूपी फर्स्ट है ये। ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे आदिल भाई। ये देखिए गाइस ये आदिल भाई नजीबाबाद से, इन्होंने भी सजाद भाई को उस्ताद बनाया है और यूपी कप में इन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए हैं इन्होंने। ये देखिए ये जो है हमारी पार्टी से नजीबाबाद से खलीफा भी। अच्छा ये सजाद भाई ने इन्हें खिलाफत दी है नजीबाबाद में। ये देखिए गाइस वालेकुम सलाम ये नूर भाई कलेड़ी। ये देखिए गाइस इन्होंने भी सजाद भाई को पकड़ी रखी है नूर भाई कलेड़ी। और ये भी हमारी पार्टी से खलीफा है ठीक है सजाद भाई ने इन्हें भी खलीफा बनाया है जी। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह से। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि हमारी बिरादरी इतनी बढ़िया बिरादरी है ये कबूतरों की कि जहाँ भी कहीं भी कोई प्रोग्राम हो सब लोग खिंच खिंच के आते हैं चले आते हैं एक ही आवाज़ पे एक ही फ़ोन पे। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कार्ड दिया जाता है, बस सिर्फ केवल एक फ़ोन करना होता है और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज़ में भागे चले आते हैं जी जी और ये हमारा जो शौक होता है ये सिर्फ केवल मिठाई पे होता है, इसमें कोई जुएबाजी या सट्टेबाजी कहीं से कहीं तक नहीं होती। कुछ लोग जो है इसमें बेवजह के अड़ंगा फांसते हैं और इसे बदनाम करते हैं हमारे शौक को। ये माशाल्लाह से हमारा शौक इतना बढ़िया है गाइस कि इसमें इतना प्यार इतनी मोहब्बत होती है, ये तो फन दिखाने का हुनर है और कुछ लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है सट्टेबाजी का नाम दे के जुएबाजी का। और केवल ये जो होता है सिर्फ उड़ान देखने और दिखलाने की होती है, चार आदमियों को मिठाई खिलाने की बात होती है इसमें पैसा किसी तरह का नहीं लगता। कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है इस हमारे शौक को, पुलिसबाजी थानेबाजी करते हैं कि ये सट्टा खेल रहा है, ऐसा गाइस बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। समझ गए जी गाइस? ये देखिए आप ये हमारे नसीम उस्ताद बिजनौर के
ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यस सप्पन उस्ताद नगीना जी, बहुत बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये शहजाद भाई जो है इन्हें मान सम्मान दे रहा है सप्पन उस्ताद नगीना। इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया है सप्पन उस्ताद ने, बहुत पुराने प्लेयर है ये नगीने की, बड़ी धाक रही कबूतरबाजी में इनकी भी सप्पन भाई की, और इन्होंने दोबारा से शौक करा है। पर वीडियो बन नहीं, फोटो क्यों और खींच लेगा, ये देखिए गाइस, ये मुंशी नसीम बिजनौर से, ये बहुत पुराने उस्ताद है, ये भी हमारे नसीम भाई, और ये अपने यहाँ शौक नहीं करते मगर अपने शागिर्दों के यहाँ बहुत शौक करते हैं। आज भी इन्होंने कबूतरबाजी को जवान कर रखा है बिजनौर के अंदर। ये नसीम उस्ताद मुंशी, ये देखिए गाइस, सजाद भाई ने मान सम्मान कर रहा है इन्हें, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए एक मिठाई का डब्बा भी मिल रहा है। और माशाल्लाह इनके नाम से तो सब पार्टी भी है। और ये नाम क्या लगा भुट्टा, और हमारे नसीम भाई उर्फ नसीम कुट्टे के नाम से मशहूर है, और इन्होंने भी बड़ा आतंक मचाया कबूतरबाजी में, और गाइस इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया है कबूतरबाजी में जिला बिजनौर के अंदर, और जहाँ भी ये जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इज्जत मिलती है। ये देखिए इन्हें भी पगड़ी दी जा रही है, ये देखिए गाइस, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है इन्होंने सजाद भाई, और ये झालू के जो जितने भी लोग हैं, मैं इन लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने मान सम्मान, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। ये नगीने के सहजाद उस्ताद मोटरसाइकिल वाले, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अपने आप में एक हाईकोर्ट कबूतरबाज है गाइस, इन्होंने भी बड़ा नाम कमाया है कबूतरबाजी में नगीने के अंदर, सहजाद भाई, ये देखिए। अरे नहीं 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 सही है बिल्कुल बात, समझ गया जी, महबूब ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा प्रोग्राम हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, करीब आधा पौन घंटे एक घंटे की वीडियो हो जाएगी गाइस। ये देखिए आप, बहुत लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है, माशाल्लाह हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, अच्छा ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग स्टेज पर खड़े हैं और जम रहा है, जैसे गाइस इनकी दोबारा से शादी हो रही है, ये देखिए गाइस ऐसा महसूस हो रहा है कि इन इन्हें दोबारा से दूल्हा बनाया गया है। डॉक्टर हारून साहब, और जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर हारून, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है कबूतरबाजी के में, बड़ा नाम कमाया इन्होंने, और बड़े राठौर कबूतरबाज है ये शाम के बादशाह है, इनके कबूतर अक्सर शाम में गिरते हैं। वालेकुम सलाम, ये देखिए बहुत छोटे सी कम उम्र में इन्होंने बड़ा नाम कमाया इन्होंने कबूतरबाजी की दुनिया में, ये देखिए माशाल्लाह से,
भैया बहुत देर से शोर शराबा मचा रहे हसीन उस्ताद कहाँ है ऊपर आओ ऊपर और भाई जब हमारा भी नंबर आ गया है अब हमें भी ये मान सम्मान दे रहा है हमारे सरदार भाई ये इनकी मोहब्बत और प्यार की बात है लायक खरी की बात है कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा भाई लोग सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत खुशी हुई यार बहुत तुमने आपको हमने इतना मान सम्मान दिया इतना इस काबिल हम थे नहीं सजाद भाई जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा यहाँ पे इतने लोग हमारे आए हुए हैं समझ गए जी आ जाओ जी काका भाई सलमान काका भाई आओ भाई सलमान ये कहाँ से है ये धामपुर से क्या नाम जी मुशर्रफ अली ये धामपुर से मुशर्रफ अली खां है ये देखिए इन्हें भी सजाद भाई ने मान सम्मान दिया है ये देखिए गाइस तो हमारा काका भाई नजर नहीं आ रहा है काका भाई आ जाओ मैंने बहुत मुबारक की चारों तरफ भी ये देखिए गाइस माशाल्लाह से कितने लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं गाइस ये देखिए आ जाओ जी काका खलीफा ये यूनुस भाई जालू के ये भी गाइस एक बहुत बड़े मशहूर कबूतरबाज रह चुके हैं यूनुस भाई जालू से ये देखिए गाइस ये यूनुस भाई हमारे जालू के ये जालू की नाक है शान है आन है आज भी इन्होंने कबूतरबाजी जवान कर रखी है यूनुस भाई ने आओ जी काका भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ काका भाई वालेकुम सलाम ये हमारे बिजनौर के काका भाई है अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब जिला बिजनौर के सारे लोग इन्हें जानते भी हैं पहचानते भी हैं ये देखिए ये देखिए गाइस वालेकुम सलाम और गाइस चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइबर करने में कोई पैसा नहीं लगता लगता है तो गाइस आपका प्यार लगता है बस समझ गए जी ये आप लोगों की देन है मोहब्बत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल इतना बढ़िया चल रहा है गाइस ये देखिए बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं सब अपने अपने चैनल पर डालेंगे गाइस और ये हमारे इकराम भाई ये भी जी और यूपी खलीफा है अच्छा और यूपी खलीफा इनका नाम क्या है नाजिम ये देखिए खेड़ा नाजिम ये यूपी खलीफा बनाया है सजाद भाई ने इन्हें ये देखिए पहले भी बने हुए हैं ये पहले भी बने हुए हैं गाइस और ये भी एक हस्ती है हमारे इकराम भाई बिजनौर के ये मुंशी जी के सागिरत है ये देखिए गाइस और गाइस वीडियो कोई छोटी मोटी नहीं बनेगी वीडियो तो दो चार घंटे की बनेगी
मैं वीडियो को यही स्किप कर दूंगा, रोक दूंगा गाइस, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डालने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा टाइम लगता है गाइस। मुबारक हो जी इकराम भाई, ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए फैन गाइस, कितना बढ़िया खाना का इंतज़ाम कर रखा है माशाल्लाह से, खाने में भी कई सारे आइटम हैं। ये देखिए, ये सारे कबूतर बाजों की बिरादरी है गाइस, पूरा इन्होंने ये बैंक्वेट हॉल ले रखा है गाइस। ये देखिए आप, समझ गए जी, पार्किंग भी बहुत दूर दूर से लोग गाइस आए हुए हैं, और बहुत इन्होंने सजाद भाई ने मान सम्मान दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा प्रोग्राम करा है सजाद भाई ने, और इनकी टीम ने, झालू के जितने भी लोग हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से पेप्सी, छोले, चावल, पूरी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा है गाइस इन लोगों ने, और इस प्रोग्राम में कोई 2-4 हज़ार रुपये का तो प्रोग्राम है नहीं गाइस, इसमें तो 50-100 हज़ार रुपये लगता है गाइस, ये इनकी टीम ने खर्चा किया है गाइस। ये देखिए आप, ये हमारे डॉक्टर हारून साहब है, इन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बड़ी तुत्ती बज रही है इनकी इस टाइम, थोड़ी सूरत तो फो कर लो डॉक्टर साहब, रसगुल्ले भी 3-3 है माशाल्लाह। उड़ान है डॉक्टर साहब का किन से, थोड़ी सी हमारी यूट्यूब फैमिली को बताओ। चांदपुर वाले आसिफ भाई से। अच्छा, चांदपुर का आसिफ भाई, कितनी उड़ान है? 5 उनसे है, 5 एक और है साथी भाई उनसे। अच्छा, सारे देसी कबूतर आपके पास था? ये देखिए देसी कबूतर रखते हैं, और कोई पंजाबी वाला भी इनसे आके गए ना तो ये कहते हैं कि ठीक है आ जाओ उड़ा लो। एक दफ़े इन्होंने ऐलान छोड़ा था डॉक्टर साहब ने कि इशारे का हो, सूरत का हो, आँखों का हो, पैरों का, चाह जौन सी नस्ल का कबूतर उड़ाओ। अब ये खिलाड़ी ने 8 घंटे के बॉर्डर से ऐलान दिया था, तो उसका ऐलान भी एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा जी, ये देखिए बड़ा नाम कमाया इन्होंने कबूतरबाजी में। आपकी जगह का एरिया का नाम क्या है डॉक्टर साहब? तीबड़ी मंझेड़ा। ये देखिए गाइस, बड़ा राठौर कबूतरबाजी करते हैं, रात के बादशाह है ये। ये देखिए गाइस, समझ गए कितना बढ़िया इन लोगों ने प्रोग्राम किया है कि मैं गाइस आपसे बयान नहीं कर सकता। ये हमारे सजाद भाई नगीना, सजाद भाई उड़ान है? उड़ान। अच्छा, उड़ान करोगे? ये हमारी बिरादरी ऐसी है कि कोई कार्ड वगैरह नहीं दिया जाता गाइस, सिर्फ फोन पे ही काम होता है, लोग चल चल के आ जाते हैं। करीब 200-300-400-500-600 आदमियों का प्रोग्राम है ये, सारे हमारे कबूतरबाज ही है इसमें, सब शौक बिरादर है हमारे गाइस। जी देखिए आप, ये पानी के कूलर भी रख रखे हैं इन लोगों ने, बहुत बढ़िया इंतजामात है कि मैं आपसे गाइस बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ा प्रोग्राम करना कोई मामूली बात नहीं है गाइस। ये देखिए तमाम मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होगी गाइस, मारुति है। ये देखिए, और गाइज ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए गाइज, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अल्लाह।